Hello friends, welcome to Vanik Smart Class. This is Tapan sir, the faculty in English. Now I'm going to tell you the correct form of verbs. You know friends, everyone says this is the first form of verb, this is the second form of verb, this is the third form of verb. But nobody says, okay, how to remember the correct form of verbs. इसका मतलब ऐसा हो गया कि हर कोई कहता है कि हमें यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना चाहिए, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, और ये सभी जो है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये सभी जो है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये कोई भी नहीं कहता है कि हम कितना कम समय में क्या क्या ज्यादा से ज्यादा वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद करें। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ यूनिक तरीका जिसके माध्यम से आप फ्यू मिनट्स में आप जितने भी लाखों वर्ब्स का करेक्ट फॉर्म जान सकते हैं। देखते हैं कितना आप यहां पे महसूस करेंगे, कितना इजी वे में हम क्या कर सकते, जितने भी लाखों वर्ब्स को कुछ मिनट में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन इलेक्ट, यू नो इज द बेस फॉर्म इन वी वन फॉर फर्स्ट फॉर्म, इलेक्टेड इज द सेकेंड फॉर्म वी टू इन पास्ट फॉर्म, एंड इलेक्टेड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वी थ्री फॉर्म्स। ओके, सो यू कैन सी वन मोर एग्जांपल। वांट same, it is the base form v1, wanted v2 past form, wanted v3, है ना? तो ये तो हो गया normally, generally हम क्या करते हैं ना, class जब से हम grammar पढ़े तब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये से होता है इसका first form, second form, third form होता है, लेकिन हम आज कुछ नया क्या सीखेंगे, yes हम कुछ नया सीखेंगे, है ना? हर चीज के सीखने के लिए कम से कम समय में सीखने के लिए concept चाहिए, क्योंकि concept is पावर, है ना? तो सिंपल सी बात है, कैसे याद रखे कम समय में। इलेक्टेड इसके लास्ट में क्या लगा है, ईडी, और इसके पास पार्टिसिपल में क्या लगा है, ईडी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, आपको बता दू जिस वर्ब को लास्ट में ईडी लगता है वो सभी क्या होता है, रेगुलर वर्ब होता है। क्या होता है? रेगुलर वर्ब। क्लियर हो गया? तो रेगुलर वर्ब कैसे फॉर्मेशन होता है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, है ना? जिस वर्ब की एंड में ईडी लग जाता है, ईडी लग के उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनता है, वो सभी वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब। क्लियर? ओके, अच्छा यहां पे एक ट्रिक बताना चाहता हूं। तो बहुत सारे वर्ब है जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, ईडी लग के बनता है, तो सर हम कितना याद करेंगे? हर कोई कहता है याद करो याद करो, कोई नहीं बताता कैसे याद ना करे। अब देखिए कैसे याद ना करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि जिस वर्ब के सेकेंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म लग के क्या सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनता है, वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब। माइंड योर फ्रेंड्स, 97% verbs are regular verb। कितना? 97% verbs are regular verb। इसका मतलब हो गया कि only 3% verbs are irregular, है ना? ये मतलब 97% जो verb के second और third form बनता है वो end में क्या लग के, ed लग के। तो ये तो श्योर हो गए, इसका मतलब वो 97% वर्ब को याद रखने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गए? तो कितना परसेंट याद रखना है, ओनली 3%। मतलब वो 3% जो है क्या है, इरेगुलर वर्ब है। भाई सिंपल हो गया ना, हमें 97 याद रखने की आवश्यकता नहीं। 97 क्लियर हो गया, 97 वर्ब के लास्ट में क्या होगा, सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी लेके बनता है। तो और बचा कितना, ओनली 3% जो इरेगुलर वर्ब कहता है, जिसको लास्ट को अलग अलग जो सफिक्स लेके बनता है, है ना? तो इरेगुलर वर्ब कितना है, ओनली 3%। क्लियर है? कंफर्म? तो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए थर्ड एग्जाम को चलिए, राइट ये हो गया वी वन फॉर्म, रोट ये हो गया क्या वी टू, रिटन हो गया क्या वी थ्री। क्या इसमें ईडी लेके बना सेकेंड और थर्ड फॉर्म? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब रेगुलर वर्ब ना इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर। सिंपल से बात है भाई, जिसकी एंड में ईडी लगा है वो क्या हो जाएगा, रेगुलर। जिसमें नहीं लगा है, वो क्या है, इरेगुलर। वी कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर फ्रेंड्स। नो वी वन, न्यू वी टू, और नोन क्या हो गया वी थ्री। यहां पे अलग अलग ईडी लग के
था, सेकंड और थर्ड पंप नहीं बना, इसका मतलब ये हो गया क्या, इरेगुलर भार। श्योर है? ठीक है, तो वन मोर हियर एग्जांपल यू कैन सी हीट हीट हीट, इसका सभी जो फॉर्म है ये भी क्या है, सेम है। माइंड अप, मैंने क्या कहा, सिर्फ ईडी लगने पर जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म लगता है वो रेगुलर, और जिसमें नहीं लगे और जितने भी फॉर्मेट में होता है वो सभी क्या है, इरेगुलर। मतलब ये भी इरेगुलर है, जैसे सेट सेट सेट, ये भी इरेगुलर है। क्लियर है, कंफर्म हो गया ना? ओके, तो सिर्फ ईडी लगने पर क्या होता है, सेकंड थर्ड में हो गया रेगुलर, और जिसमें नहीं लगा ईडी लेकिन कुछ भी सफिक्स लगे सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है वो हो गया क्या, इरेगुलर। तो 97% क्या हो गया, रेगुलर फॉर्म। लास्ट को डी ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, ओनली 3% है डिफरेंट कुछ लग के। तो 97% याद करने आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद करना है किसको, ओनली 3%। क्लियर, इसमें भी एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को, है ना, 3% में टोटल जो इरेगुलर का जो होते हैं ना, जो वर्ब होते हैं वो पूरा टोटल जो है 125 से 130 वर्ब जो है इरेगुलर। इसका मतलब लाखों में वर्ब है, लेकिन हम याद करना सिर्फ क्या है, 125 से 130 वर्ब्स। हो गया ना इजी, देखते हैं उसमें भी एक और एक इजी वे बता दे रहा हूं, 130 जो इरेगुलर वो उसको भी याद करने के तरीका इजी थोड़ा कर लेता हूं, है ना। जो इरेगुलर फॉर्म होता है वर्ब का वो तीन वे में, थ्री वे में होता है। वन, कैटेगरी वन, व्हाट ना, वर्ब्स और हैविंग ऑल फॉर्म्स आर सेम। वो तीन कैटेगरी का इरेगुलर फॉर्म होता है जो 130 वर्ब्स हैं इरेगुलर। तो पहला जो है उसका जो तीनों फॉर्म है सेम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैसे ना, सेट फर्स्ट फॉर्म भी जो है, सेकेंड फॉर्म वही है, थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया वही है, सेम। क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया ना? तो इस प्रकार का, तो इस प्रकार का टोटल वर्ब कितना है, टोटल इंग्लिश में आपको बता दू, 30 जो है इस प्रकार का वर्ब है। क्लियर हो गया, तो कैटेगरी टू ये क्या है, इरेगुलर, एक प्रकार हो गया। कैटेगरी टू क्या है, कैसे होता है इरेगुलर वर्ब जो होता है, कैटेगरी ना, वर्ब्स हैविंग व्हाट ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट, है ना। जितने भी वर्ब्स का फॉर्म है, मतलब उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सभी क्या है, डिफरेंट है। जैसे नो, न्यू एंड वन मोर इज व्हाट, नोन। क्लियर, तो देखिए अब सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए दोस्तों, ये क्या है, रेगुलर वर्ब ना इरेगुलर वर्ब है, सिंपल सी बात है भाई। इसमें ईडी नहीं लगा मतलब इसका क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया। तो नो हो गया V1, न्यू हो गया V2 और नोन हो गया क्या V3, है ना। ये भी इरेगुलर, इसका टोटल जो वर्ब इस फॉर्मेट पे कितना वर्ब होगा आपको बता दो, 60 से 70 जो वर्ब है इरेगुलर वर्ब इस प्रकार का। क्लियर, लास्ट नॉट लीस्ट, और जो कैटेगरी 3 का जो इरेगुलर वर्ब है वो कैसा है ना, वर्ब्स Having two forms are same, मतलब उसका base form तो जो है, उसका जो second और third form वो अलग अलग है, सॉरी same है। Clear? जैसे bring, brought और third जो है क्या है, brought, है ना। देखिए इसका ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो क्या हो गया सेम। इधर क्लियर माय फ्रेंड्स, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्या करने के लिए, वर्ब का फॉर्म याद करना है के लिए कि कैसे होगा सेकेंड फॉर्म कैसे होगा, तब उसके साथ साथ हम ये भी पढ़े इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ सम इरेगुलर वर्ब्स। Okay, let's see. Here is, I mentioned the few. Already I have told you the all the techniques how to identify regular, irregular verbs and second form and third form. But I have mentioned the few irregular verbs here. You can see properly. Even also you can take the screenshot from here. Okay, thank you so much my dear friends.